Hello everyone. As you know that we are in the second chapter of science class 6, that is components of foods. We have the topic that is vitamins. So students, this is Arshad Alam once again, assistant biology teacher of Oriental Public School, Kishanganj, Bihar. Let's know some key points of vitamins. Vitamins are essential for good eyesight, healthy teeth, gums, bones, proper digestion, normal growth and good health. Vitamins हर इंसान के लिए ज़रूरत है. Vitamins अगर आप लोगे, vitamins अगर आप खाते हैं, तो इससे आँखों की जो बिनाई है, आँखों की जो देखने की शक्ति है, वो बढ़ जाती है. आपके दांत जो है वो हमेशा हेल्दी रहते हैं. मसूरे हुए, बोन्स हुआ, ये सब भी आपका स्ट्रांग रहता है, हेल्दी रहता है. और आपकी बॉडी में डाइजेशन जो है, ये डाइजेशन आपका प्रॉपर वे में हो पाएगा, मतलब डाइजेशन आपका सही होगा. उसके बाद आपकी बॉडी में नॉर्मल ग्रोथ, साधारण ग्रोथ होना चाहिए, साधारण ग्रोथ होगा. उसके साथ साथ आपकी बॉडी जो है हेल्दी रहेगा. अगर इतना सारा कुछ आपके विटामिन्स खाने से होता है, तो ऑब्वियसली हमारे बॉडी को डिफरेंट डिजीज से प्रिवेंट करता है. अगर आप विटामिन्स लेते हो तो इट प्रिवेंट अस अगेंस्ट द डिजीजेस, हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीज से प्रिवेंट करने में मदद करता है. स्टूडेंट्स, आपने कई बार सुना होगा कि विटामिन्स का डिफरेंट टाइप्स होता है. जैसे कि आपने सुना होगा विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी. तो ये क्या है, विटामिन्स को रिप्रेजेंट करते हैं अल्फाबेट के द्वारा, ए बी सी डी ई के. इसके अलावा बहुत सारे विटामिन्स हैं, लेकिन क्लास सिक्स में आपको इतना ही जानना पड़ेगा. तो विटामिन बी की अगर बात करें हम, तो विटामिन बी का बहुत फॉर्म्स होता है. विटामिन बी वन, विटामिन बी टू, विटामिन बी थ्री, बी फोर, बी फाइव, ऐसे करके विटामिन बी ट्वेल्व तक रहता है. तो विटामिन बी मतलब विटामिन, जितने भी विटामिन बी के अंदर में आता है, विटामिन ए बी सी, विटामिन बी वन, बी टू, बी थ्री, बी फोर, बी फाइव, टिल बी सिक्स, बी सेवन, बी एट, उसके बाद बी ट्वेल्व. तो टोटल बी के जितने भी कॉम्पोनेंट्स हैं, ठीक है, विटामिन बी के जितने भी पार्ट्स हैं, टुगेदरली इट इज नोन एज बी कॉम्प्लेक्स. उसे क्या कहते हैं हम लोग, बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं.